हमारे जो चीफ गेस्ट आज पहुंचने वाले हैं एडिशनल एसपी रमनीश गुप्ता जी और जानकारी है कि आज की ये जो इवेंट है बेसिक इसका मकसद है जो हमारे ड्राइवर्स हैं खासकर जो कमर्शियल व्हीकल्स के उनके आईसाइट के ऊपर फोकस करना और उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर फोकस करना। इसीलिए हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स की टीम बुलाई हुई है यहाँ पे, वो चेकअप आपका कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्रोग्राम अटेंड करें और साथ साथ में एक एक करके आप अपना आई चेकअप और बाकी जो फिजिकल चेकअप वो कर सकते हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से कि वो आज के चीफ गेस्ट मैं एआरटीओ श्री नीरज गुप्ता जी से, एक्चुअली एसएसपी साहब भी आने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका थोड़ा प्रोग्राम लाइसेंस देते हैं तो लाइसेंस देने से पहले एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं और ये लाइसेंस देते वक्त हम आपका जो स्किल है नौकरी कर सकती, जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राइवर जो है वो बाद में शराब पी के गाड़ी चलाएगा, नशा करके गाड़ी चलाएगा या नहीं चलाएगा, ये ड्राइविंग टेस्ट के वक्त टेस्ट नहीं किया जा सकता, टेस्ट वो देखा नहीं जा सकता, इसका पहले कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो श्योर नहीं हो सकती। इसी तरीके से ठीक है, लेकिन जिंदगी के किस पड़ाव पे आकर आपको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक ही बारी लाइसेंस दे देते हैं उसके बाद पांच पांच साल का वो रिन्यूअल होता रहता है तो 50 साल तक पहुंचते हैं और उसके बाद 5 साल का जो वक्फा होता है उसमें आप जो है सुपीरियर जो है उन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया कि ये चेकअप हम सरकार की तरफ से इनिशिएटिव का। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारा रोड सेफ्टी का स्ट्रक्चर है उसकी एक की ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट, घरों से दूर रहते तो उनका स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, इस कारण इनको इनके काफी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इनका अगर रूटीनली चेकअप होता रहे और जो जो इनकी बीमारियां अगर कुछ इनमें पाई जाती हैं अगर उनको टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो जाए और टाइमली ये मेडिसिन लें और उससे ये भी पता लगेगा कि ये आदमी अभी ड्राइविंग के काबिल भी रहा है या नहीं रहा है तो काफी सारे जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि जैसे आरटीओ साहब ने बताया कि 80-90% जो एक्सीडेंट्स का कॉज होता है वो मैनुअल है, मैकेनिकल कॉजेज या डिजाइन जो रोड्स का डिजाइन है उनके डिफेक्ट में वो माइनर वो भी कॉजेज है लेकिन वो इतने बड़े कॉजेज नहीं है। तो मैं आपके ज्यादा वक्त ना लेते हुए रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और ये जो एक्सरसाइज है ये रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में काफी, जिन्होंने ये फ्री मेडिकल चेकअप एंड अवेयरनेस जो आई चेकअप कैंप जो यहाँ पर लगाया हुआ है साथ में अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है, इन सब के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भाई बंधु हैं जिस तरीके से ये दिन रात इस देश की तरक्की में अपना हाथ बटाते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इनकी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। साथ में जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को के प्रति इनको अवगत कराया जाए, इनको अवेयर करवाया जाए कि क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से आपको उनका पालन करना है और किस तरीके से आपने
रोड पे गाड़ियां चलानी है ताकि अपनी अपने परिवार की और इनकी जद में या इनकी ओवर स्पीडिंग की जद में आने वाले लोगों की जान को बचाया जा सके। ये आज का जो फ्री मेडिकल कम आई चेकअप कैंप है, ये उसी जमन में एक छोटी सी कवायद है जो हमारे आरटीओ साहब ने की है। ये हमारी पॉलिसी का एक हिस्सा है ताकि वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होती रहे और क्या कुछ नई चीजें रोड सेफ्टी के प्रति सरकार जो लागू कर रही है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीजें जो है आपको आपको उनके प्रति अवेयर करवाया जाए। आज ये छोटी सी कवायद है और मैं आरटीओ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि जब से ये आए हुए हैं, जब से यहाँ कठुआ में पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, कम से कम क्योंकि मैं अपनी टेनर की बात करूंगा, पिछले 3 महीने से इन्होंने काफी सारे फाइन्स भी किए हैं, काफी सारी गाड़ियों को सीज किया है जो भी इलीगली जो रूल्स ऑफ द रोड फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा ड्राइवर साहिबान से भी और पब्लिक से भी कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका पालन करें, आप जरूर जाएं वहां पर अपने आपको चेक करें, अपनी आई चेक आई तरीके से चला सके और अपनी और दूसरों की जान माल की सुरक्षा कर सके। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट को खड़े हेल्थ का सर बड़ा योगदान रहता है जब भी हम कोई कैंप ऑर्गेनाइज करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के सबसे पहले प्रेसिडेंट हाल ग्रुप है वो भी तैयार रहें, अगर प्रेसिडेंट हैं तो आ जाए, प्रेसिडेंट मिनी बस यूनियन सुरेश जी आ जाइए, आपके ये जनरल सेक्रेटरी हैं सर मिनी बस खासकर मीडिया का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस में आपका खुद बड़ा रोल है, आप हमारी बात जब पहुंचाएंगे आम नागरिक तक तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये हमारा अवेयरनेस कैंप भी है और बेसिकली मेडिकल कैंप है। मैं डॉक्टर साहिबान का आभारी हूँ, खासकर सीएमओ साहब का, यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर भी आए हुए हैं और मैं कल ही डुल्लू साहब से बात कर रहा था, डुल्लू हमारे हेल्थ के सेक्रेटरी हैं फाइनेंशियल कमीशन, कि हमने आपको 135 जो एम्बुलेंसें दे दी हैं क्रिटिकल केयर की, वो कब तक आप डिप्लाई करोगे? हमें भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने एम्बुलेंस दिए थे 135 लगभग जो हमने दे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, ये 2 साल पुरानी बात है। उनको इसलिए दिया था कि दुर्घटना की सूरत में फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन आवर होता है, पहला घंटा जो होता है वो सुनहरी घंटा होता है, उसमें जान बचाई जा सकती है। उस पीछे हमने सांबे में जो कैंप किया था, ये तो चौथा कैंप है, आज हमने जम्मू में कैंप लगाया था, अभी उसके बाद रामपुर में लगाया था, फिर सांबा में लगाया था, अब चौथा यहाँ पर कैंप है। हर जिले में हमने कैंप लगाया है और मैं कोशिश करता हूँ अपने टाइम निकाल के इसमें पार्टिसिपेट करूँ। आज शायद वो बीमार थे हमारे इसके ट्रांसपोर्ट कमीशन हम जी आ नहीं पाया कोई नजर काम की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपका मनोबल बनाने के लिए मैंने आना यहाँ ज़रूरी है और मैं डीसी साहब का थापा साहब का आभारी हूँ। ट्रांसपोर्टर्स के लिए आपने शॉर्ट नोटिस पर कैंप अरेंज किया, ट्रैफिक वाले मुझे यहाँ दिखाई नहीं देते, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं इस बारी करने जा रहा हूँ, गवर्नर साहब ने हमें आदेश दिया था कि ड्राइवरों की आई साइड ब्लड प्रेशर हो, ये आई साइड कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करें, आप सबका आपका भी जब भी बुजुर्ग हो जाते हैं तो आई साइड में फर्क आ ही जाता है, आप 40-50 की एज क्रॉस करने में 6x6 नहीं रहता, लेकिन हम चश्मा पहन सकते हैं तो कलर ब्लाइंड को वैसे भी हमें जो आदेश है अभी जो चल रहा है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें 2019 में तरमीम भी काफ़ी हुई है, तो जुर्माने ज़्यादा लगे उसमें ट्रांसपोर्टर साहब हमसे नाराज ना हो जाए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुर्माने बढ़ा दिए हैं पार्लियामेंट में, जहाँ हम देखते हैं बच्चा बगैर हेलमेट के चल रहा था वो 100 रुपये देता था जुर्माने जेब से निकाल के, अब उसका 1000 कर दिया है शायद, इसी तरह से जो सीट बेल्ट के बगैर चलता था उसका 100 का 1000 इस तरह कर दिया है 1000 रुपये, इसी तरह से मोबाइल पर बात कर रहे हैं उसका अलग जुर्माना है, अगर गाड़ी की फिटनेस के बाद या आपने उसे सीटें एक्स्ट्रा लगाई उसमें तो 1 लाख का जुर्माना है, और कई जगह इसमें जेल भी है। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आज जैसे सांबा में लगाया था वो पोस्टर हर जगह आप जेल में बांटे और यहाँ पे भी लगाया और हिंदी में भी इसका अनुवाद करें पंजाबी में भी करें, हमारी समस्या ये है कठुआ से पंजाब का बॉर्डर आता है पंजाब का ड्राइवर भी यहाँ ऑफेंस करके चले जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के ड्राइवर तो रहते हैं यहाँ पे
मुझे किसी ने अभी कहा रिसेंटली इसी साल की बात है, पिछले दो तीन चार महीना हो गया, कोई रिटायर्ड आर्मी था, बुजुर्ग आर्मी था, वो वहाँ घूम रहा था वहाँ पे नेशनल हाईवे पर, उसको टक्कर ट्रक वाले ने टक्कर मारा था, उसकी लाश को लेके गए लखनपुर में छोड़ दिया। हिट एंड रन केसेस बहुत आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुदेशम की स्कीम लगाई थी, उसमें सुदेशम के कुछ चेक वगैरह भी हमने सांबा में बांटे थे। आज आप यहाँ देखें डी सी साहब के चेक होते हैं, वो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी है, उनका काम ही है उनको चेक दे देना, पुराने विकलांग होंगे आपके पास। तो आपकी एक आरटीओ होती है, डीसी और एसपी का मिलाकर हमारे आरटीओ आपकी मेंबर सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट आरटीओ होती है। आपने लोकल परमिट देना, आप यहाँ से परमिट दे सकते हो, आपको कोई स्टेट परमिट चाहिए वो मैं ट्रांसपोर्ट कमीशन से वहां से दिलवा दूंगा। कुर्सी बिठाओ वहां पे, दो दो चार चार लोग रहे वहां पे, सबसे बड़ी बात है रोड की सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में, शुरू में क्लब हमने बनाए हैं, डॉक्टर साहब मेरे आठ हमने सेफ्टी कमेटी मीटिंग की, हर चीज से सेफ्टी आपको।